एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। तो क्यों दोस्तों, याद आया कुछ अपने दमदार डायलॉग्स और गुस्सेल एक्टिंग से सबको अपना दीवाना बनाने वाले ये एक्टर आज अपना 68वां जन्मदिन बना रहे हैं, जिन्होंने अपने एक्टिंग की बदौलत अच्छे से अच्छे हीरो को भी मात दी है और जिनके साथ कई अभिनेत्रियां काम करने को कतराती हैं। तो आखिर कौन है ये अभिनेता, जानने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जन्मे नाना पाटेकर की, जिनकी पहली फिल्म गबन थी जो 1978 में आई थी। फिल्मों के अलावा नाना पाटेकर की पर्सनल लाइफ में भी काफी उथल पुथल रही है। शादीशुदा होने के बाद भी नाना पाटेकर को एक खूबसूरत एक्ट्रेस से प्यार हो गया और वो एक्ट्रेस थी आयशा जुल्का। वैसे तो आयशा का नाम कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका था, लेकिन नाना के साथ जब वो रिलेशनशिप में आई तो उनके रिलेशनशिप पे खूब चर्चे हुए और साल 2003 में आयशा ने नाना पाटेकर के साथ फिल्म आज की, और जिसमें इन दोनों ने खूब बोल्ड सीन्स भी दिए। फिल्म में नाना और आयशा के बीच इंटीमेट सीन भी फिल्माए गए, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए थे और लिव इन में रहने लगे। हालांकि उस वक्त नाना पाटेकर शादीशुदा भी थे और उस वक्त नाना पाटेकर और मनीषा कोराला के बीच भी नजदीकियों की खबरें सुनने को मिली थी, और ये न्यूज सुनकर हर कोई हैरान था कि नाना पाटेकर जैसा कड़क स्वभाव वाला व्यक्ति रोमांस भी कर सकता है। और आपको बता दें कि मनीषा कोराला भी नाना पाटेकर पर जान छिड़कती थी और वो उनके लिए काफी पॉजिटिव थी, और खबरों के मुताबिक मनीषा को नाना पाटेकर का अपनी को स्टार से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर एक दिन मनीषा ने आयशा को नाना पाटेकर के साथ उनके कमरे में देख लिया। उस वक्त मनीषा भड़क उठी और चिल्लाने लगी और मारपीट भी करने की नौबत आ गई थी। तब नाना ने मनीषा को समझाया और शांत किया, और इस घटना के बाद मनीषा नाना पर दबाव डालने लगी कि वो अपनी पत्नी से तलाक ले लें। लेकिन नाना पाटेकर किसी भी हालत में अपनी पत्नी से तलाक नहीं ले सकते थे, और नाना पाटेकर के इस व्यवहार से मनीषा का दिल टूट गया। इसके बाद उन्होंने नाना पाटेकर से अपने सारे रिश्ते खत्म कर दिए। तो दोस्तों, कैसे लगते हैं आपको नाना पाटेकर के डायलॉग, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।